हेलो एवरीवन सो अगर आप सभी को वॉइस ऑडिबल है तो एक बार आप थम्सअप कर दे फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज आपको बता दूं आपका मेन फोकस ना हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी पे रहेगा आप सभी को पता है कि हमने जो वो किया था डैट इंडियन ज्योग्राफी पे उसके ऊपर हमारे हंड्रेड एमसीक्यू क्लियर है ठीक है हमने वो चीज अपलोड की हुई है आप उसको देख सकते हो कुछ आपको इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर भी मिलेंगे एमसीक्यू लेकिन मेन फोकस आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी रहेगा आज ठीक है तो एक बार सबसे पहले आप शेयर कर दो सभी के साथ जितने तब तक ज्वाइन करते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है आ, सर एडमिट कार्ड कब तक निकलेंगे देखो अगर पॉसिबल अगर आपका ट्वेंटी सेवन को एग्जाम होता है जेके का तो आपको पॉसिबली यही है कि कल परसों तक आ जाना चाहिए ठीक है अगर हम बात करें जो ट्वेंटी वाला एग्जाम था तो वो एटीन को आए थे आपके एडमिट कार्ड ठीक है तो आ जाना चाहिए होप्सो हो जाए तो सबसे पहले आप शेयर कर दो सभी के साथ जितने स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो देख लेते हैं अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं तो ये आपके लिए आज की जो सीरीज है ये सभी जितने भी आगे एग्जाम्स हैं उसमें आपको मदद चाहे आपका वो इंस्पेक्टर एग्जाम हो या सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो चाहे वो जेकेबी एस आई या फाइनेंस एस आई ठीक है तो आपको पहले मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं कि कल आपका मेन हम जो हंड्रेड एमसी यू सीज लेके आएंगे वो आपकी रहेगी इन्वॉर्मेंट एंड बायो दु, बायोडिवर्सिटी पे उसके ऊपर आपके हंड्रेड एम सी यू आ जाएंगे ठीक है तो आज हम जोग्रफी पे कर लेते हैं कल मैं क्वेश्चन करूंगा आपके बायडिवर्सिटी पे ले आऊँ तो आगे आपके लिए वो ले आएंगे ठीक है तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ठीक है साथ साथ जुड़ते रहेंगे स्टूडेंट्स तो आज का हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप देख सकते हो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आप आंसर बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट एशिया फ्रॉम द अफ्रीका फ्रॉफ्रीका आज सो एमसी को जाने वाले तो जल्दी से आप शेयर भी करते रहिए साथ, साथ और लाइक भी मारते रहिए तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है कौन जो एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करता है जल्दी से बताइए जो एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करता है आंसर है सी स्यूज किनाल एंड रेड सी 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 और कोई बी सी तो इसका आंसर आप करेगा जो एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिफ्रेंशिएट करता है उन्हें जो तो सेपरेट करता है डेट इज आर सी ऑप्शन ठीक है तो इसका आंसर है सी ऑप्शन स्यूज किनाल एंड रेड सी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की विच इज द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया हम पूछ रहे हैं विच इज द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया सबसे आप बताओ हाइस्ट पॉइंट इन पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें या एशिया में बात करें हाइस्ट पॉइंट कौन सा है पूरे वर्ल्ड में ठीक है इधर तो मैंने लोएस्ट पॉइंट पूछ लिया इधर आप लोएस्ट पॉइंट बताइए और साथ में हाइस्ट पॉइंट भी बताइए हाइस्ट पॉइंट इज माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही तो आपका हाइस्ट पॉइंट जो है वो माउंट एवरेस्ट है लेकिन अगर हम बात करें लोएस्ट पॉइंट इन एशिया इट इज द डेड सी ठीक है इसका आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया अभी देखो एशिया कॉन्टिनेंट चल रहा है कुछ क्वेश्चन आपको एशिया के मिलेंगे स्टार्टिंग में तो कौन सा कौन सी रिवर एशिया में लॉन्गेस्ट है और आपने बताना है कि जो रिवर है जो भी आप आंसर दोगे वो रिवर है कहां पे कौन सी कंट्री में है? आंसर आ रहा है सी यंग तजे आंसर आ रहा है ब्रह्मपुत्रा नाइल देखो ध्यान से पढ़ो एशिया की बात हो रही है इधर पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही सी चाइना हां बिल्कुल सही इसका आंसर आपका रहेगा यंग तजे रिवर दैट इज इन इट इज अ थर्ड लार्जेस्ट आप सभी बता दू ठीक है तो ये आपकी थर्ड लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है लेकिन अगर हम बात करें एशिया में तो एशिया में ये फर्स्ट नंबर पे सी ऑप्शन यंगतजे एंड इट इज इन चाइना आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन एशिया आर नॉट लैंड लॉक्ड आपको पहले लैंड लॉक्ड का मतलब पता होना चाहिए सर लैंड लॉक का मतलब होता है वो कंट्री जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है मतलब कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कंट्री इधर भी इसके लैंड है इधर भी इसके लैंड है इधर भी इसके लैंड है इधर भी इसके लैंड है, है, है मतलब चारों तरफ से उसके कहीं भी पानी टच नहीं होता ठीक है ना तो आपने बताना है इसमें से कौन सी लैंड लैंडलॉकड कंट्री नहीं है आपको मैक्सिमम जो तान वाली कंट्री होती न, जैसे, आप जैसे आपका है ना जैसे फिर इधर लॉक्ड होती है बता कुछ है जो आपकी, आ, नहीं है तो इसका आंसर क्या रहेगा सर मलेशिया मलेशिया इज नॉट द लॉक्ड कंट्री आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आप देख सकते हो क्वेश्चन कंट्रीज की बात हो रही है आपको पता है यूरोप को डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में बांटा गया जी सर यूरोप को डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में बांटा गया है तो उसमें से एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती है तो वो कौन सी है आंसर आ रहा है डेनमार्क ध्यान से दे आंसर तो इसका दे आंसर डेनमार्क नहीं है डी आंसर अब आने बैठ गया बी भी आ रहा है ए भी आ रहा है तो देखो इसका आंसर आप करेगा डी आंसर इज द राइट वन डैड द फिनलैंड फिनलैंड जो आपका है वो आपका स्कैंडवियन कंट्री में जाता है मैंने आपको स्कैंडवियन कंट्रीज की एक ट्रिक बताई थी डीएनएस क्या बताई थी डी एन एस डी स्टैंड फॉर सर डी स्टैंड फॉर डेनमार्क एन स्टैंड फॉर नॉर्वे एंड एस स्टैंड फॉर स्वीडन तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हैं तो सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ द यूरोप आर नोन एज बाल्टिक स्टेट देखो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका टॉपिक है इसमें दैट इज वर्ल्ड योग्राफी इसके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले अगर आएंगे दो या तीन क्वेश्चन आएंगे आपके कोई भी आप एग्जाम उठा लो आपके अगर हम यंगतजे रिवर की बात करें कितने क्वेश्चन के रिलेटेड आपको एग्जाम में आ चुके हैं हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें ठीक है उनमें ये अलग क्वेश्चन आया था अब आपने बताना है बाल्टिक स्टेट्स यूरोप को हमने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में बांटा है जी सर तो इसमें से आपकी कौन सी नहीं है तो सिक्स का आंसर बताइए जल्दी आंसर आ रहा है ए ऑप्शन आंसर आ रहा है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली वो मतलब ए ऑप्शन ही हो गया एक तरह से हाँ. तो इसका आंसर सर सिक्स का आंसर हमारा रहेगा ए ऑप्शन रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इसका भी क्या था डेट हमारी तीन कंट्रीज ऐसी हैं जो बाल्टिक स्टेट्स में आती है डेट एस्टोनिया लिथोनिया स्वीडन नहीं है स्वीडन की जगह हमारी कौन सी है जल्दी से बताइए स्वीडन की जगह कौन सी तीसरी कंट्री है हमारी जो बाल्टिक स्टेट्स में आती है जल्दी से गाय साथ में लाइक भी करते रहिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन अब आपको यह चीज हमेशा याद है कि दैट द था थर्ड कंट्री जो हमारी एस, अब बाल्टिक में आती है दैट लेथेविया हाँ, बिल्कुल सही नेहा ने पहले कमेंट किया मोहित जी ने भी किया लेथेविया आगे बात करते क्वेश्चन नंबर सेवन कंसेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द राइट वन आपने सही चुनना इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं ये देखो एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट जाने वाला है आज आपका वर्ल्ड जियोग्राफी पे आपको तो सिखाया जाएगा कि आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं अगर एग्जाम में आता है वही चीज हैंडल करनी है हाँ थोड़ा जल्दी कीजिए मैं जल्दी कर रहा हूं ठीक है तो थोड़ा बहुत आपको बताना भी पड़ता है अगर ऐसे सिंपल एमसीक्यू लाने तो बहुत ज्यादा ठीक नहीं आता तो कहता है कि राइट वन कौन सा है बोलता है ऑस्ट्रेलिया इज द स्मोलेट कॉन्टिनेंट तो ऑस्ट्रेलिया इज द कॉन्टिनेंट जी सर ऑस्ट्रेलिया इज द ऑस्ट्रेलियास्ट कॉन्टिनेंट अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अंटार्टिका यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया ठीक है ये चीज आपने सीक्वेंस याद रखनी है सबसे बड़ा एशिया एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अंटार्टिका यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया तो ये पहला पॉइंट तो उसमें सही है कहता है इट लाइज इन सदर्न हेमिसफेयर इंटायरली वर्ड यूज हुआ है बिल्कुल सही वो सदर्न हेमिसफेयर में ही है तो इसका आंसर क्या रहेगा सर बोथ सेवंथ का आंसर क्या रहेगा सर बोथ एट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से बताइए इसको भी राइट वन बताइए कौन सा इसमें सही है इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन सही है जल्दी बताइए अंटार्टिका इज ए आइस कवर्ड लैंड मार्क सराउंडेड बाय ऑशन इट इज दिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड तो अभी मैंने आपको बोला अंटार्टिका इज द फिफ्थ लार्जेस्ट नॉट द सिक्स लार्जेस्ट तो सेकंड पॉइंट तो इधर ऑप्शन गलत हो जाता है फर्स्ट सही है तो इसका आंसर करेगा ए ऑप्शन आगे आज देते क्वेश्चन नाइन द इक्वेटर थ्रू ऑफ द फॉलिंग अफ्रीकन लेक जो इक्वेटर है वो कौन सी अफ्रीकन लेक से पास ऑन होती है नॉट सिक्स इट्स फिफ्थ हां बिल्कुल सही फिफ्थ आपकी लार्जेस्ट हो इक्वेटर कौन सी लेक से पास ऑन होती है नाइन्थ नाइन्थ का आंसर आ रहा है विक्टोरिया बिल्कुल सही विक्टोरिया इज द राइट वन टेंथ क्वेश्चन ठीक है इसका आंसर क्या रहेगा विक्टोरिया अब टेंथ का आंसर बताइए जल्दी से विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम द यूरोप अफ्रीका और यूरोप के बीच में दरार क्या बना हुआ है मेडिटेरियन सी आ रहा है स्यूज के नाल नहीं स्यूज किनाल नहीं है इसका तो इसका आंसर मेडिटेरियन सी रहेगा ठीक है तो अफ्रीका और यूरोप की बात हो रही है आप एस्थमस कहां से आगे तो इसका आपका टेंथ का आंसर क्या रहेगा सर मेडिटेरियन सी ठीक है आगे बात करते हैं विच कंट्री आर लोकेटेड इन एशिया एंड यूरोप मतलब बोथ ठीक है इधर बोथ वर्ड थोड़ा मिस हो गया है तो ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो एशिया में भी है यूरोप में भी है एक तो सबसे महान अभी न्यूज में उसी का नाम छाया हुआ है कौन सी है सर वो रशिया सही जा रहे हो लेकिन मैंने दो ऑप्शन में रशिया डाला है तो ऐसी कौन कौन सी दो कंट्रीज है डेट इलेवेंथ का आंसर आप करेगा सी ऑप्शन रशिया एंड टर्की आर द टू कंट्रीज जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है कुछ उनका पार्ट ठीक है आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की मैच विद देयर कैपिटल अब जल्दी से कैपिटल के साथ मैच अप कीजिए बताइए सर चाइना की कैपिटल क्या है चाइना की कैपिटल सर चाइना की कैपिटल है बीजिंग अगर हम बात करें भूटान की ठीक है भूटान की कैपिटल क्या है सर थिंफू जापान की टोक्यो थाईलैंड की बैंकॉक अगर हम इसको चेक करें तो इसका आंसर क्या आएगा सर बी ऑप्शन इज द राइट वन इसकान से क्या आएगा सर बी ऑप्शन होप सो आपको क्लियर होगा आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया अब नॉर्थ अमेरिका और एशिया की बात हो रही है ठीक है अगर आपने ग्लोब देखा होगा आपको याद होगा आपने जब ग्लोब देखते तो नॉर्थ अमेरिका इधर होता है एशिया इधर होता है अब कहोगे सर एशिया और नॉर्थ अमेरिका कैसे डिफरेंस है ठीक है ना तो आपको मैं बता दूं इसमें क्या होता है जो वो आपके पास जो इमेज होती है ठीक है ना वो एक तरह से पेपर भी बनी हुई है एक्चुअली में ग्लोब क्या है एक सफेरिकल शेप है तो उसके कारण आपका जो एशिया है और नॉर्थ अमेरिका वो उधर से मिलता है तो कौन सा जो सेपरेट करता है तो थर्टीन का आंसर कह सर बेरिंग स्ट्रेट ठीक है इसका आंसर क्या सर ए ऑप्शन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इंपॉर्टेंट वन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटीट्यूड सेपरेट यूएसए एंड कैनेडा आप सभी को पता होगा जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, मैंने आपको है था, अमेरिका न, तीन कंट्रीज बना एक बनाऊंगा यूएसए मेक्सिको अगर आप देखो अगर लेक्चर के बाद नॉर्थ अमेरिका का मैप देखना आपको उधर क्लियर हो जाएगा जो नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ तीन कंट्रीज है बाकी छोटी मोटी कंट्रीज है तो कौन कौन सी आती है वो तीन कंट्रीज हमारी आती है एंड थर्ड वन इज योर मेक्सिको और कैनेडा और यूएसए को सेपरेट करने वाला कौन है सर डेट इज फोर्टी नाइन डिग्री नॉर्थ तो इसका आंसर क्या रहेगा सर डी ऑप्शन क्लियर है आगे बात करते हैं विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्री इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड तो शुगर शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे बोल रहे थे जल्दी से बताइए तो फिफ्टीन का आंसर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते इसका आंसर क्या रहेगा बिल्कुल पहले ही आंसर आने बैठ गए क्वेश्चन अभी तक बड़ा नहीं मैंने क्यूबा सिक्सटीन

कौन सा लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है वर्ल्ड में स्ट्रेट आपको पता होना चाहिए जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ तो पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट लायक करता है तो आप सभी को पता होगा स्ट्रेट क्या होता है दो लैंड ठीक है उनके बीच में एक थोड़ा सा आप कह सकते हो बीच में एक हल्की सी लेन बनी होती है और वो दो बड़े बड़े सीज को जोड़ता है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं ट इज स्ट्रेट अब लॉन्गेस्ट स्ट्रेट आपने बताना है बिल्कुल सही पाक स्ट्रेट बिल्कुल सही है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है ठीक है अब बताइए स्ट्रेट वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट तो सेवनटीन का रहेगा सेवनटीन का आंसर से रहेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का एटींथ क्वेश्चन विच ऑर द फॉलिंग लेक डज नॉट इंक्लूडिंग ग्रेट लेक ऑफ यूएसए इंपोर्टेंट और डिफिकल्ट वन जल्दी से पहले बताइए पांच ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए हमने पढ़े हैं सर पांच मैंने आपको कराई थी ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए यूएसए की पांच ग्रेट लेक्स है टीटी काका टीटी काका तो अभी पहुंचे नहीं हम अच्छा आप आंसर बता रहे हैं ठीक है ठीक है डी आंसर है लेकिन मुझे पहले चाहिए कि आप हाँ इसका आंसर डी है सही है बिल्कुल सही मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी कैसे याद करना है कि वो ग्रेट लेक्स में नहीं आती तो मैंने आपको बताया था डैट द ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए आर होम्स एच ओ एम ई एस याद रखना ठीक है इसकी आप शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही कर सकते हो ठीक है मोहित जी ने भी सही लिखा है उन्होंने पांच नाम लिख दिए आप देख सकते हो कमेंट सेक्शन में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड लॉक कंट्री इन साउथ अमेरिका तो साउथ अमेरिका की लैंड लॉक कंट्री बताओ तो नाइनटीन का आंसर जल्दी से बताइए मैंने लैंडलॉट का मतलब बता दिया आपको पहले ही तो सर नाइनटीन का आंसर हमारा रहेगा डी ऑप्शन ठीक है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली ठीक है फॉलोइंग कॉन्टिनेंट टू द साइज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन साइज के अकॉर्डिंग बांटो लेकिन आपने एक चीज को ध्यान में रखना है जो मैंने गलती की वो आपने गलती नहीं करनी मैंने द ब्रैकेट में क्या लिखा है असेंडिंग ऑर्डर मतलब की पहले छोटा फिर बड़ा सबसे छोटी सर हमारी होती है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन दिया दिया है जी सर है सर ऑस्ट्रेलिया ये सेकंड ऑप्शन ओ आपने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी हर ऑप्शन में सेकंड 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 है हर ऑप्शन में सेकंड है फिर उसके बाद कौन सा आता है सर यूरोप तो टू क्या थ्री आना चाहिए टू के बाद थ्री हमारे आ जाते हैं ए और बी ऑप्शन तो सी और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया ठीक है ना तो ट्वेंटी का आंसर क्या रहेगा सर ट्वेंटी का आंसर आप देख सकते हो डैट द बी ऑप्शन इज द राइट वन ठीक है आगे बात करते हैं यूरोप इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फेयर यूरोप कौन से हेमिस्फेयर में है जल्दी से बताइए देखो गाय साथ में लाइक भी करते रहिए सेशन को अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिक्सटी फाइव लाइक्स हुए हैं हंड्रेड के अब जाना चाहिए लाइक्स फिर ही थोड़ी सी आगे मोटिवेशन बनती है कल आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कल आपको लेक्चर मिल जाएगा ऑन योर बायोडाइवर्सिटी उसके हम ऊपर टॉप हंड्रेड एमसीक्यू लाने वाले हैं टॉप uh, हंड्रेड भी नहीं जाएंगे टॉप वन फिफ्टी जाएंगे हंड्रेड हमारे रहेंगे बेसिक लेवल ठीक है बेसिक लेवल भी नहीं होंगे जो जेके है, वो हैं और पचास एमसीक्यू में एंड में ऐसे लेके आऊंगा जो थोड़े से हाई लेवल के रहेंगे लेकिन वही चीज है कि आपको सिखाया जाएगा चांसेस में भी कि आपको पेपर डिफिक, डिफिकल्ट भी आ सकता है तो जल्दी से बताइए जल्दी ट्वेंटी का आंसर यूरोप इज लोकेटेड इंटायरली तो यूरोप इंटायर हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर में तो ट्वेंटी का आंसर ए ऑप्शन रहेगा ठीक है फॉलोइंग सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया एशिया को यूरोप से कैसे सेपरेट किया जाता है एशिया को यूरोप से सर यूनाइटेड कल ऑफ बेनिशियन मैंने आपको ट्रिक बताया थी, हर एक चीज की ट्रिक क्या हमारे चैनल पर आपको मत, मैंने आपको बताया था यूरोप और एशिया के बीच में दरार क्या है सर यूसीबी यू स्टैंड फॉर यूरल माउंटेन सी स्टैंड फॉर केसपियन सी बी स्टैंड फॉर ब्लैक सी याद है कि नहीं जी सर तो इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन ही मिल रहे हैं दैट कैस्पियन सी एंड यूरन माउंटेन तो ट्वेंटी टू का आंसर सर रहेगा सी ऑप्शन ठीक है आगे बात करते हैं ट्वेंटी थ्री विच आर द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन द वर्ल्ड तो कौन सा लॉन्गेस्ट रेल रूट है तो ट्वेंटी थ्री का आंसर पहले ही हमारे सामने आ गया क्वेश्चन अभी तो नीचे पहुंचे नहीं होते तो ट्वेंटी थ्री का आंसर ट्रांस साइबेरियन आ चुका है तो इसका आंसर बिल्कुल सही है दैट द डी ऑप्शन इज द राइट वन स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बेसिक क्वेश्चन जल्दी से बताइए ट्वेंटी फोर्थ का आंसर इंफिनाइट मैथ वाले तो मैथ्स की तरह आगे भाग रहे हैं मैं कह रहा हूं वो तो पहले ही कमेंट कर देते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल सही है ट्वेंटी फोर्थ का आंसर सी ऑप्शन सही रहेगा वेटिकन सिटी अब देखो ध्यान से सुनना जो आपकी वेटिकन सिटी है ना इट इज स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग टू एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों तक कंफ्यूज होता है यार सर ने एरिया वाइज बताया था पॉपुलेशन वाइज बताया नहीं पॉपुलेशन तो वाइज भी वेटिकन सिटी ठीक है 25 फाइव विच कंट्रीज कॉल्ड लैंड ऑफ लेक्स कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ लेक्स बोला जाता है इसका आंसर अच्छा भी सभी को पता होगा जल्दी से बताइए फिनलैंड बिल्कुल सही तो इसका आंसर अच्छा करेगा सर डी ऑप्शन आगे बात करते हैं 26 सिक्स विच प्लेस इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़े से क्या बिल्कुल बेसिक सा भी आप एग्जाम तो ये टॉपिक तो आपको पता होना चाहिए हैप्पीस्ट कंट्री बिल्कुल सही शेफाक जी बोल रहे हैं हैप्पीस्ट कंट्री आपको मैंने अभी शेयर किया था यूएन के जो हैप्पीस्ट कंट्री का इंडेक्स निकला तो उसमें फिनलैंड थी ठीक है तो आप देख सकते हो लैंड ऑफ राइजिंग सन इज योर जापान ठीक है ट्वेंटी सिक्स का आंसर करेगा सर सी ऑप्शन अफ्रीका इज ऑल्सो कॉल्ड एस अफ्रीका आप सभी को बताया कि जो अफ्रीका थी उसकी खोज एक तरह से एंडिंग में हुई है ठीक है उसके बड़े से ऐसे पार्ट से जो अभी तक पहचाने भी नहीं गए उनकी एक तरह से उधर तक पहुंच ही नहीं पाए तो उसके कारण हम उसे कह सकते हैं इट इज अ डार्क कॉन्टिनेंट ट्वेंटी सेवन का डार्क कॉन्टिनेंट ट्वेंटी एट इंपॉर्टेंट वन द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट्रू विच दैंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब तीनों की तीनों पासऑन होती है जल्दी से बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी पास भी पास करता करता है, है, इक्वेटर भी तीनों की तीनों सर ऐसा एक ही कॉन्टिनेंट है तो 28 का आंसर आपका क्या सर डेट अफ्रीका आप मैप में देख सकते हो मैंने प्रॉपरली पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया आप right right लैंड ऑफ थंडरबोल्ट आज थोड़े से डिफरेंट नेम्स लाए हैं मैंने ठीक है ऐसे ऐसे आपको हर जगह मिलेंगे तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे बोलते हैं ट्वेंटी का आंसर जल्दी से बताइए तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट आंसर आ गया है भूटान मोहित चिपजी भी सबसे पहले कमेंट दे रहे हैं बहुत अच्छा बहुत बढ़िया ऐसे ही आगे बढ़ते रहो भाई मेरे तो भूटान इज द राइट वन तो ट्वेंटी नाइन का आंसर भूटान है थर्टीएथ विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट द साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका ठीक है आपको ऊपर नॉर्थ अमेरिका नीचे उसके साउथ अमेरिका तो इन दोनों को कौन जोड़ता है तो थर्टी का आंसर रहेगा दैट द एस्थमस ऑफ पेनावा ठीक है इसका आंसर क्या सर एस्थमस ऑफ पेनावा थर्टी वन मैच कीजिए जल्दी से बल, बड़ा बड़ा आसान है और इसका आंसर भी बड़ा आसान है मैं कहूंगा जल्दी से क्या आंसर रहेगा इसका देखो ट्रॉप एक हमारा होता है इक्वेटर इक्वेटर का क्या होता है सर जीरो डिग्री इक्वेटर क्या क्या होता है सर जीरो डिग्री तो इधर इक्वेटर तो चलो नहीं दिया इक्वेटर के ऊपर आता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डेट इज ट्वेंटी थ्री डिग्री हाफ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैप्टॉन इज साउथ आर्टिक सर्कल इज सिक्सटी सिक्स हाफ नॉर्थ एंड अंटार्टिक सर्कल इज सिक्सटी सिक्स हाफ साउथ तो वन टू थ्री फोर इज द राइट वन ए आंसर इज द राइट वन थर्टी टू इसका ना आंसर ध्यान से देना मैं गारंटी देता हूं बड़े से स्टूडेंट्स का आंसर गलत देने वाले हैं विच रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस थर्टी टू का ध्यान से अपना टाइम लीजिए मैं कहूंगा देखो जो मैंने बोला था कॉन्गो आंसर आने बैठ गए तो कांगो इसके आंसर नहीं है कॉन्गो जो है वो इक्वेटर से पास ऑन होती है दो बारी ठीक है इसका आंसर कॉन्गो नहीं है ध्यान से सुनो इधर मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोला है तो इधर लिम पोपो आएगा क्लियर है आगे बढ़े फिर जी सर आगे बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच कॉन्ट्री ऑफ द वर्ल्ड डॉट है ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके पास डेजर्ट नहीं है देना पड़ेगा जिसके पास नहीं है कौन है सर जल्दी से बताइए ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल गलत यूरोप यूरोप आंसर आने बैठ गया बिल्कुल सही यूरोप इसका सही आंसर थर्टी थ्री का आंसर रहेगा बी ऑप्शन डेट यूरोप में आपको कोई भी डेजर्ट नहीं मिलेगा या ना ही हॉट ना ही कोल्ड थर्टी फोर्थ नेम द कॉन्टेंट डेट मिरर इमेज ऑफ फीचर जो एक दूसरे की मिरर इमेज में आते हैं मतलब कि मैं मिरर में देखूंगा एक जैसे सेम दिखेंगे ये समझ लो मिरर है इधर अगर कोई प्रोडक्ट है इधर अगर कोई कॉन्टेंट है सेम उसकी इमेज ऐसी बनेगी ठीक है तो थर्टी फोर्थ एक बार एग्जाम में आ चुका हुआ है और बच्चों तो कंफ्यूज होते हैं सात कॉन्टिनेंट है उसमें क्या ही पचन हाँ स्किप कर रहे हैं बिल्कुल सही अगर आप स्किप कर सकते हो कि नहीं पता लेकिन इधर से आप पढ़ के जाइए तो इधर क्या आंसर आएगा सर डेट द अफ्रीका एंड द साउथ अमेरिका इज द राइट वन थर्टी फोर्थ का आंसर क्या रहेगा सर अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो है इसका सही आंसर रहेगा आप सभी ने देखा होगा साउथ अमेरिका थोड़ा सा पतला है एज कंपेयर टू द अफ्रीका ठीक है तो ये आप कंसेप्ट कर सकते हो लेकिन आप देखोगे सिमिलरली सेम सेम दिखते थोड़े टी फाइव द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द प्राइम एडिडियन एंड द इक्वेटर लाइजिंग ठीक है प्राइम एडिडियन ये आ गया आपका ठीक है और आपका जो द वन इज इक्वेटर वो ये आ गया इनके बीच का जो पॉइंट वो कहां पे लाई करता है एटलांटिक आंसर आ रहा है सर थर्टी फाइव का आंसर क्या रहेगा ए ऑप्शन ठीक है अटलांटिक ओशन इज द राइट थर्टी सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग मेजरी लाइन पासिस टू द मिडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट अब कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से कौन सी मेजनरी लाइन जाती है ठीक है जल्दी से बताइए थर्टी सिक्स का आंसर देखो पहले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है कहां से जाती है सर इंडिया के ऊपर से जाती है तो इंडिया के तो नीचे है वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गलत इक्वेटर गलत जीरो डिग्री भी इक्वेटर होता है ये भी गलत तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज द राइट वन थर्टी सिक्स का आंसर क्या रहेगा सर ए ऑप्शन थर्टी सेवन विथ स्टेट सेपरेट द नॉर्थ एंड साउथ नीचे देखो इंडिया के आने वाले अभी जोग्राफी के क्वेश्चन थोड़े से मैं इंडिया के हिमालयन नेशन के रिलेटेड डाले क्वेश्चन वो नीचे आने वाले अभी थोड़ा सा वर्ल्ड जियोग्रफी चल रहा है तो बोलता है कौन सा स्टेट नॉर्थ और साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड को सेपरेट करता है आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के साइड पे न्यूजीलैंड है बहुत प्यारा देश है ब्लैक कैप्स जिसे बोलते हैं उनके बीच में कौन सा स्टेट है ठीक तो है तो थर्टी सेवेंथ का आंसर क्या रहेगा सर सी ऑप्शन कुक स्टेट कुक नाम से याद रखना थर्टी एट लार्जेस्ट रीफ सिस्टम इन वर्ल्ड कहां पे है कौन सा है ग्रेट बेरेफ बिल्कुल सही इफ यू आर इन साउथ अफ्रीका एंड यू स्टार्ट ट्रेवलिंग इन ईस्ट डायरेक्शन विच कॉन्टिनेंट वुड यू गो गेट टू फर्स्ट मतलब आप साउथ अफ्रीका में हो अब फॉर एग्जाम्पल दिखे हो साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका से जब आप ईस्ट साइड चलने बैठ जाओगे तो कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे पहले आएगा एशिया आंसर आ रहा है बिल्कुल सही तो इसका आंसर एशिया ही है ठीक है तो फोर्टियथ फोर्टियन क्वेश्चन बताइए जल्दी से विच कॉन्टिनें लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज कौन सी कंट्री है कौन सा कॉन्टिनेंट सॉरी जहां सबसे ज्यादा कंट्रीज मिलेंगी आपको और बताइए आपका आंसर आ रहा है अफ्रीका बिल्कुल सही अफ्रीका ही है इसका आंसर सर अफ्रीका तो है कंट्रीज कितनी है ये बताइए आप अफ्रीका में कंट्रीज कितनी है रोमेश संब्याल जी ने बोला है फिफ्टी फोर और फिफ्टी फोर सही है फिफ्टी फोर ही है ठीक है मै, मैक्सिमम जगह पे आपको फिफ्टी फोर ही मिलेगा आगे बात करते हैं फोर्टी वन क्वेश्चन अ पर्सन मूविंग फ्रॉम चाइल्ड टू ब्राजील आपको ये पता होगा जो चाइल्ड साउथ अमेरिका में ठीक है चिली शेप में होती है अगर वो चाइल से ब्राजील जाना जाता है कोस्ट लाइन से मतलब ये उसकी कोस्ट लाइन ऐसे ऐसे तो ही एस टू पास थ्रू कौन से स्ट्रेट से पास होना पड़ेगा उसे ये आपने बताना मैंने आपको बताया था हमने साउथ अमेरिका के टाइम पे पढ़ा था सर चाइल्ड चाइल्ड इज इन चिली शेप तो चिली शेप की तरह होती है तो उसको कौन से स्ट्रेट से पास ऑन होन होना पड़ेगा दैट इज क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं मैक्सिम बच्चे तो फिफ्टी वन का आंसर मैगलन स्टेट आगे बात करते हैं अफ्रीकन रिवर द टू टाइम्स आपका प्यारा क्वेश्चन आ गया है। जो बच्चों ने गलत किया था वो क्वेश्चन आ गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर इधर तो ऑप्शन दिया ही नहीं है क्या करें अब तो क्या करें जल्दी से बताइए कोई तो सही आंसर होगा 42 का नाइल रिवर लिख रहे हैं नहीं बिल्कुल गलत रिवर, रिवर रिवर बिल्कुल सही। देखो, इसका आंसर है आएगा। का दूसरा नाम आगे बात करते है फिर फोर्टी थ्री विच फॉलोइंग कैन वी कम अक्रॉस इफ वी ट्रेवल थ्रू द स्टेट ऑफ मलक्का तो स्टेट ऑफ मलक्का से जब आप पास ऑन होगे तो आपको कहां से निकलना पड़ेगा बहुत प्यारा देश है बहुत कम आबादी भी है इधर लोग इधर घूमने जाते हैं मैं आपको पहले बता दूं तो देखो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सिंगापुर रहेगा ठीक है फोर्टी फोर अदर देन इंडिया चाइना विच ग्रुप ऑफ कंट्री बॉर्डर विद म्यांमार म्यांमार जल्दी से आप अपना मैप खोलिए मैप में देखिए सर म्यांमार के साथ कौन कौन सी कंट्री अटैच होती है कौन कौन सी टच करती है इंडिया और चाइना को छोड़ के कह रहा है ठीक है ये सभी क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के मिलेंगे मैंने कोई ऐसा इजी क्वेश्चन ही डाल दिया ये बताइए वो बताइए आपको सारे क्वेश्चन मैंने मॉडरेट लेवल के दिए हैं तो क्या आंसर होना चाहिए तो फोर्टी फोर्थ का आंसर सर डी ऑप्शन रहेगा दैट द थाईलैंड लोअस एंड बांग्लादेश ये तीन जो कंट्रीज है ये म्यांमार के साथ अटैच होती है अदर देन द इंडिया एंड चाइना फोर्टी फाइव च वन ऑफ द फॉरिंग स्टेट डनल कनेक्ट द यूके एंड फ्रांस तो यूके एंड फ्रांस को कौन कनेक्ट करता है कौन से टर्नल जल्दी से बताइए आंसर आया है विक्रम पारियर के द्वारा स्टेट ऑफ डोवर बिल्कुल सही तो द स्टेट ऑफ डोवर इज द राइट वन फोर्टी सिक्स थ्रू विच ऑफ द following ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वेटर पहले बताइए इक्वेटर पास कितनी कंट्री से होता है नंबर बताइए मुझे मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अभी तक नाम इतने ज्यादा पूछे नहीं गए पूछा जाता है टोटल कितनी कंट्री से पास ऑन होता है इक्वेटर जल्दी से बताइए 15 आंसर आ रहा है 11 कंट्रीज आ रहा है आंसर सेवेंटीन थर्टीन सिक्सटीन तो सही आंसर सबसे पहले साक्षी गुप्ता जी ने दिया है थर्टीन इज अ राइट वन थर्टीन कंट्री से पास ऑन होता है ठीक है इक्वेटर तो थर्टीन कंट्रीज के बड़े डिफरेंट डिफरेंट नेम है अलग अलग हैं ठीक है तो आप ध्यान से सुनना जो थर्टीन है ना थर्टीन में से जो मैं आपको सिक्स नेम बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है वो चीज आप बस याद रख लो आपके लिए काफी होगा क्योंकि इसमें से जो बाकी कंट्रीज हैं वो इतनी अभी डेवलप नहीं उनका नाम आपको याद भी नहीं रहेगा ठीक है तो आपका जो सिक्स कंट्रीज है इज कोलंबिया ब्राजील कीनिया यूगेंडा मालदीव्स एंड इंडोनेशिया ठीक है ये जो छह कंट्रीज मैंने बताई ये आप याद रखिए जिसके ऊपर से ये इक्वेटर आपका पास ऑन होता है तो अगर हम बात करें फोर्टी का आंसर सर बी ऑप्शन राइट वन कोलंबिया कीनिया एंड इंडोनेशिया फोर्टी सेवन विच ऑफ नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉफी पोर्ट किसे बोला जाता है तो बी ऑप्शन आने बैठ गया इसका आंसर तो फोर्टी सेवन का बी ऑप्शन ठीक है सेंटोस वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्कियोलॉजी बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है मैं कहूंगा वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्कियोलॉजी ए आंसर है इंडो आर इंडोनेशिया बिल्कुल सही तो इसका आंसर इंडोनेशिया होगा आपको मैं बता दूं आप सुनकर हो जाओगे सर ग्रुप ऑफ एक अठारह से, से लेकर तक आइलैंड आगे बात करते हैं फोर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलिंग आइलैंड इज द डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश तो इंडिया और बांग्लादेश में कौन सा डिस्प्यूटेड आइलैंड है मतलब इंडिया वाले बोलते हैं ये मेरा आइलैंड है और जो बांग्लादेश वाले बोलते ये मेरा आइलैंड है तो वो कौन सा आइलैंड है ठीक है थोड़ा सा इंडिया के रिलेटेड आगे अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं वैसे एक्चुअली मैंने इंडिया के रिलेटेड आपको कराए हुए हैं ठीक है हमने जब एफ के लिए सीरीज लेके आया था तो उसमें मैंने इंडिया के आपको कराए थे तो आप वो देख सकते हो तो न्यू मोरे इज द राइट वन क्लियर है फिफ्टीथ हाफ सेंचुरी अभी बहुत आगे तक जाना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप नेम्ड सैंडविच आइलैंड नाम अजीबोग्रीप इसका आंसर भी अजीबो ग्रीप है जल्दी से बताइए विक्रांत भगत जी ने लिखा है हवाई आइलैंड तो मैं बता दूं आपका आंसर बिल्कुल सही है तो हवाई आइलैंड इज द राइट वन फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड

तो एक्चुअल में अगर आपसे कोल्ड डेजर्ट पूछा जाएगा तो अंटार्क्टिक इज द राइट वन अगर हॉट डेजर्ट पूछा जाएगा तो आपका सहारा डेजर्ट इज द राइट वन तो इसका आंसर क्या रहेगा सर डी ऑप्शन इज द राइट वन आगे बढ़ते हैं फिर फिफ्टी टू क्वेश्चन में विच इज द दाइस्ट माउंटेन इन अफ्रीका अफ्रीका का हाइस्ट माउंटेन बताइए जल्दी से ठीक है चलो आपका काम और आसान करता हूं फर्स्ट इज योर एल्ब्रेस जो आपका एलब्रेस है ये यूरोप का लार्जेस्ट है E -E से मैंने आपको था याद रखिए ठीक है मैंने आपको बोला था ई e -E से याद रखिए तो यूरोप का हाइस कौन सा है, सर Elbrus. तो एक ऑप्शन तो गलत हो गया बाकी तीन में से कौन सा लगता है राइट वन किलम जोरा फिफ्टी थ्री विच ऑर द फॉलिंग माउंटेन रेंज फॉर्मड एज दीथ ओशन ऑल्सो कॉल द तीथ सी और द न्यू तीत देखो साथ साथ लाइक करते रहिए बार बार बोलने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए आपको याद होगा हमने इंडियन जोग्राफी में भी पढ़ा था एक गोदवामा लैंड थी उसमें क्या हुआ दो आपके लैंड थी जब ये दोनों लैंड एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी इनके बीच में था एक तीत सी तीत सी में जितना भी मलवा था जब ये दोनों टकराई मलवा आ गया ऊपर और वो मलवा क्या बन गया सर हिमालयाज बन गया क्या बन गया हिमालयस बन गया तो फिफ्टी थ्री का आंसर क्या रहेगा सर ए ऑप्शन फिफ्टी फोर हिमालयस के रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें से गलत है जल्दी से बताइए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है ए आंसर आ रहा है फर्स्ट आंसर आया है विक्रांत भगत जी के द्वारा जुनेद सुल्तानी जी द्वारा फर्स्ट ठीक है सी ए तो इसका आंसर ए सही है क्योंकि मैंने इधर नॉर्ट बोला है ठीक है इस चीज को कंसिडर किया करो तो नॉट आपको पता है पहले आता हिमाद्री हिमाद्री के बाद हिमाचल हिमाचल के बाद शिवालिक ये तीन होते हैं बोलता है द रेंज लाइंग टू द इमीडिएट साउथ ऑफ द हिमाद्री इज कॉल्ड शिवालिक सर हिमाद्री के साउथ में तो हिमाचल होता है तो ये ऑप्शन आपका गलत है ठीक है तो ए आंसर इज द राइट वन 55, which of the following mountain are formed due to the force generated by the endogenic force? For example, when two plates collide head-on and their edges crumbled, तो उसको क्या बोलते हैं? जब उसकी edges crumbled हो जाएं, तो 55 का आंसर करेगा fold mountain बिल्कुल सही। 56 इसी के रिलेटेड ले लिया volcanic माउंटेन जल्दी से बताइए। तो सर वॉल्केनिक माउंटेन है हमारा सी ऑप्शन जो जापान में है माउंट फूजी आपको पता है चाहिए माउंट फूजी कहां पे सर जापान में है विच ऑफ द फॉलिंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंजेस ठीक है ध्यान से देखना लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंजेस ठीक है तो ये बताइए जल्दी से बड़ी जल्दी से आंसर आए हैं सभी बच्चों के इससे पता चलता है कि किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है बहुत बढ़िया भाई तो आप कह सकते हो कि इसका आंसर सर रहेगा एंडिस इसका आंसर क्या रहेगा सर एंडिस ठीक है साक्षर उपर इसमें हिमालय इसका आंसर नहीं रहेगा इसका एंडिस रहेगा आप देख सकते हो जब आपका बात करते हैं एंडिस है कहाँ पे सर एंडिस हमारा आता है साउथ अमेरिका में तो आप देख सकते हो जब आपका साउथ अमेरिका है ना तो साउथ अमेरिका में इधर इधर आपका एंडीज ही है ठीक है तो ये एंडिस इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन एंडीज फिफ्टी एट टिनेंटल टोपोग्राफी रिजैंपल्स लाइक ए बाउल बाउल की शेप में कौन सा है कौन सा कॉन्टिनेंट है बाउल की शेप में तो इसका आंसर रहेगा दैट द साउथ अमेरिका इज द राइट वन ठीक है तो फिफ्टी का फिफ्टी का आपका साउथ अमेरिका आगे बात करते हैं विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड फिफ्टी नाइन्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड साधना शर्मा जी एस सर फाइनेंस एस आई हां एस आई की ही चल रही है आपको विद इन टू थ्री डेज में आपके मैं वो रीजनल जो आपकी है ठीक है वो उनके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा बाकी मेरे एंड से ये सब कुछ चलते रहेगा रोज की एक वीडियो आया करेगी हंड्रेड एमसी मैक्सिमम तो वो आपको इसके ऊपर मिल जाएगी तो लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड कौन सा है सर फिफ्टी नाइन्थ का आंसर दैट द ग्रीन लैंड ठीक है सिक्सियथ नीचे इंफॉर्मेशन को कंसिडर कीजिए और बताइए कौन सा सही है कहते हैं ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट इज ऑल्सो ए कंट्री बिल्कुल सही सर इट लाइज बिटवीन इंडिया पैसिफिक ओशन बिल्कुल सही सर इट इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेन लैंड लाइज द माउंटेनियस आइलैंड ऑफ तेस्मेनिया ये भी बिल्कुल सही है तो सिक्सटीथ का आंसर सर ऑल ऑफ द बव रहेगा ठीक है सिक्सटी वन साउथ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द साउथ ठीक तो है तो सिक्सटी वन में कहता है द साउथ अमेरिका जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है नो no, सर वो हमारा फोर्थ लार्जेस्ट है तो पहला ऑप्शन तो इधर ही गलत दूसरा ऑप्शन सही है क्योंकि मैंने इधर मोस्ट पार्ट लिखा है कुछ पार्ट उसका जो है आपका नॉर्धन हैमिस्वेर में भी पड़ता है तो सेकंड ओनली इज द राइट वन सिक्सटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंजल फॉल्स इज सिचुएटेड एंजल फॉल्स कहां पर टॉलेस्ट फॉल है ये आपका साउथ अमेरिका में ठीक है जल्दी बताइए तो 62 का आंसर बी ऑप्शन का बिल्कुल सही तो आगे बढ़ते हैं कंसिडर द फॉलिंग स्टेटमेंट नाइट्रेट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बिल्कुल सही और चाइल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट ये भी सही है तो 63 का आंसर क्या रहेगा सर बोथ सिक्सटी फोर विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट किससे बोला जाता है थाईलैंड बिल्कुल सही ठीक है तो सिक्सटी फोर का आंसर करेगा सर थाईलैंड सिक्सटी फाइव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द राइट वंस पेनिस लास्ट स्टेच ऑफ लैंड

थोड़े से स्टेटमेंट वाले आ आगे क्वेश्चन ठीक आप है आपको होता है एग्जाम से भी इसी तरह के आते हैं तो ब्रिटिश सेल्स इंक्लूड द टू मेन आइलैंड्स ऑफ आइलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में आपके आइलैंड वेल्स एंड इंग्लैंड आता है ये स्टेटमेंट आप बताइए जल्दी से सही है कि गलत है तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है इसकी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दी थी मैंने क्या दी थी सर ग्रेट ब्रिटेन में आता है हमारा ईडब्ल्यू एस ई डब्ल्यू एस इकोनॉमिक विक्र सेक्शन मैंने आपको बताया था तो ई स्टैंड फॉर इधर इंग्लैंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेल्स एंड द एस स्टैंड फॉर स्कॉटलैंड ध्यान से पढ़ा करो स्कॉटलैंड एस स्टैंड फॉर स्कॉटलैंड तो सिक्सटी सिक्स में सेकेंड ऑप्शन गलत है तो इसका आंसर क्या रहेगा सर सिक्सटी सिक्स का आंसर ए ऑप्शन रहेगा सिक्सटी सेवन द ग्रासलैंड कॉल्ड पैंपास आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन पैम्पास आपको कहां पे मिलेंगे ईडब्ल्यू से आप याद रखिएगा कभी भूलना नहीं चाहिए देखो हर एक लेक्चर ना आपका कुछ एड ऑन कर रहा है वैल्यू एडिशन होती है तो इसलिए मैं कहता हूं लेक्चर देखने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है तो पैम्पास कहां पे मिलेंगे सर साउथ अमेरिका में मिलेंगे तो इसका आंसर बी ऑप्शन है सिक्सटी एट को आगे बढ़ते हैं सिक्सटी एट कहता है हाउ मैनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में कितने ऑशंस हैं जल्दी से गिनिए सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया ठीक है तो विक्रम पारिया ने पहले ही कमेंट कर दिया मेरा अभी गाना भी खत्म नहीं हुआ फाइव सो so, मेरा सात समुंदर मशहूर हो गया सेवन आ गया आंसर ठीक है गाय सात समुद्र सिर्फ और सिर्फ गाने में ही है एक्चुअल में सात समुद्र नहीं है ठीक है ना तो फाइव इज द राइट वन सिक्सटी एट का आंसर फाइव वन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज रेफर टू विच प्लेस रूफ ऑफ द वर्ल्ड बहुत ऊंचा है ये इसलिए उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड नाम दे दिया लोग भी अनोखे होते हैं कि हाँ कोई भी चीज जैसे अगर कोई ऊंची होगी तो उसे रूफ नाम दे देंगे कोई नीचे होगी तो उसे और कुछ नाम दे देंगे जल्दी से बताइए सिक्सटी नाइन टैमियर नॉट ठीक है सिक्सटी नाइन का आंसर करेगा सी ऑप्शन सेवेंटी विच डेजर्ट इज नोन एज द डेजर्ट ऑफ डेथ अफगानिस्तान में डेजर्ट ऑफ डेथ किसे बोला जाता है जिसकी बड़ी दहशत दैश्चत है दहशत ठीक है क्या आएगा मार्को ठीक है दहशत मार्को है इसका आंसर

लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय ज्योग्राफिकल एरिया लार्जेस्ट कंट्री की बात हो रही है सबसे बड़ी कंट्री आर सी यू सी बी ए आपको याद होगा मैंने आपको ट्रिक बताई थी आर सी यू सी बी ए तो आर स्टैंड फॉर द बिगेस्ट थ्रेट दैट इज रशिया ठीक है सेवेंटी थ्री द आईलैंड ऑफ सेचिल्स आर लिकोट लिकोट लोकेटेड इन द सॉरी जल्दी से बताइए आए, आइलैंड ऑफ सेचील सा लोकेटेड इन कौन से ओशन में है इंडियन ऑशन में बिल्कुल सही आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली नोन एज श्रीलंका का पुराना नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा इजी है आपने अगर क्रिकेट के फैन हो क्रिकेट में उनकी ना शर्ट के ऊपर लिखा होता है साइलॉन बिल्कुल सही इमेजनिंग लाइन ऑन द अर्थ सर्फेस विच क्लोजली फॉलोज द वन एटी डिग्री मेलटेन इज कॉल दईडीएल शॉर्ट फॉर्म चल रही है आजकल इधर बिल्कुल सही आप बिल्कुल सही जा रहे हैं ढेट इंटरनेशनल डेट लाइन नेक्स्ट वन ए ए लेटिट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है

सेवेंटी एट द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है वर्ल्ड में मेक्सिको आंसर आन आने बैठ गया बिल्कुल सही गल्फ ऑफ मेक्सिको सेवेंटी नाइन विच इज द लार्जेस्ट सिंगल स्टैंडिंग स्टोन इन द वर्ल्ड ये एक स्टोन है आपको ये दिखेगा जो बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा है और ये कौन सा स्टोन है जल्दी से बताइए सेवेंटी नाइन का आंसर आपका क्या आएगा सर बिल्कुल सही नाम भी बड़ा अच्छा है इसका उलूडू ठीक है डी ऑप्शन राइट वन एटीएथ मोस्ट हाइस्ट स्पीक्स इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री में है बड़ा इजी क्वेश्चन है अपना दोस्त है अपने पास में ही है रहता है ये भी मैं दूं। बता दूं। जल्दी से बताइए हाँ आज ज्यादा वर्ल्ड का हुआ नो no डाउट इंडिया की मैं करा चुका हूं ठीक है तो हाईएस्ट पीक कौन सी है वर्ल्ड की सर हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की नेपाल सॉरी हाईएस्ट पीक्स कहां पे मिलेंगी नेपाल में मिलेंगी आपको याद अगर आप टॉप टेन हाइस्ट पीक्स देखोगे ना उसमें से आठ आपको नेपाल में मिलेंगी एटी वन अफ्रीका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द एशिया ठीक है अफ्रीका इज द सेकेंड सॉरी सर ये तो ऑप्शन आपने पहले ही गलत कर दो इसको हम डार्क कॉन्टेंट बोलते हैं सर बिल्कुल सही इट इज द ओनली कॉन्टेंट जिसके थ्रू आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ पास है। बिल्कुल सही सर तो इसका आंसर क्या रहेगा सर सेकंड एंड थर्ड वन इज द राइट वन तो बी ऑप्शन इज़ द राइट वन ठीक है आगे बढ़े फिर जी सर नीचे देखिए जल्दी से बताइए कौन सा सही है एटी टू भाई दिल से बुरा लगता है जब आप लाइक नहीं करते ना सेशन आपको पता है कल मैं आपके लिए वो सेशन लेके आपका भी लाने वाला कल आपका वो टॉप 150 फिफ्टी एमसी की ऊपर मैं कोशिश करूंगा कल आपके लिए लेके आऊ कल इसी टाइम पे दस बजे आपके लिए वो लेक्चर आ जाएगा तो क्या बोलता है कौन से इसमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए सही है तो वन एंड इज द राइट वन एटी मोस्ट पॉपुलिस कंट्री इन द अफ्रीका अफ्रीका की बात हो रही है ठीक है एशिया की बात नहीं हो रही अफ्रीका में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे मिलेगी आपको नाइजेरिया ठीक है एट्टी फोर विच ऑफ द फॉलिंग कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है आपको पता है अफ्रीका के इधर ना थोड़ा सा हॉर्न शेप में ऐसे बना हुआ है तो इधर कुछ कंट्रीज आती हैं ठीक है ठीके? आप मैप में देख सकते हो तो उनको हम डालते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में तो एटी फोर्थ का आंसर क्या रहेगा सर डेट द अल्जीरिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका एटी फाइव पढ़ते हैं विज ऑफ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका अफ्रीका में ठीक है अफ्रीका की बात हो रही है तो कौन, सी Sir, sec, uh, largest, तो कौन सी है सर लेक विक्टोरिया इज द से इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड अगर हम वर्ल्ड की बात करें इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट तो टॉप पे वर्ल्ड में कौन सी सर आपकी सुपीरियर ठीक है ऑफिशियली मतलब कागजी पत्रों में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का क्या नाम है जल्दी से बताइए रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया गलत है ठीक है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द राइट वन ठीक है 86 का आंसर सर डी ऑप्शन विच इज द दाइस्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की हाइस्ट माउंटेन की बात हो रही है माउंट कैस तो 87 का आंसर क्या रहेगा सर बी ऑप्शन 88 ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड एट साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया ठीक है मैंने आपको ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पहले तो हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन अगर हम करें तो कहां पे है किस साइड पे है वो आपने बताना आपको बता दू अगर ये ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ पड़ता है सर ये मुझे साइड दिख रही है एक ईस्टर्न साइड थोड़ी दिख रही है ठीक है ना ईस्टर्न साइड होते ना ये और एक थोड़ी सी माई नॉर्दर्न साइड भी दिख रही है तो नॉर्थ ईस्ट इज द राइट वन एटी नाइन एशिया इज बाउंडेड नॉर्थ बाय विच ऑशन नॉर्थ में एशिया की कौन सा ओशन है आपको सर एशिया के नॉर्थ में कौन सा ओशन है ध्यान से देखिए वर्ल्ड मैप खोलिए उधर आपको दिख जाएगा साफ तौर पे लिखा होगा कौन सा ओशन है एटी नाइन इज द आर्टिक राइट वन गोभी कहां पर इंपॉर्टेंट फूड ऑफ इंडियन कल्चर में कहूंगा गोभी ठीक है जल्दी से आइए नाइनटी का आंसर सर नाइनटीएथ का आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन मंगोलिया और चाइना लार्जेस्ट सिटी इन एशिया बाय पॉपुलेशन और वर्ल्ड की भी वही है एशिया ने हर जगह अपना नाम बनाया हुआ घबराओ मत हर जगह एशिया पसरा हुआ तो एशिया में लार्जेस्ट सिटी कौन सी है सर टोकियो आगे बात करते नाइनटी टू कंप्लीट द सेंटेंस अच्छा भाई हम कंप्लीट करें तेरा काम करें तो कहता है अंटार्कटिका इज द अर्थ अंटार्कटिका अर्थ के कौन सी साइड पे है? सर बिल्कुल नीचे वाली साइड है तो कौन सी साइड पे सर सर्दन मोस्ट विच इज द लार्जेस्ट लेक इन अंटार्टिका अब अंटार्क्टिका के क्वेश्चन देखो अंटार्क्टिका के कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते यही जो पांच छह बनते वो इधर आपके सामने अंटार्टिका का लार्जेस्ट लेक कौन सा है लेक वॉस्टक ठीक है बी ऑप्शन इज द राइट right वन अंटार्टिका ट्रिटी साइन अंटार्टिका का ट्रिटी कब साइन हुआ था जल्दी बताइए एक ट्रीटी साइन हुआ था मैं आपको बता दूं सभी देशों ने मिलकर साइन किया था इसमें उन्होंने बोला था देखो अंटार्कटिका में ना इतनी लोग उधर उधर के नागरिक नहीं है, लोग रहते नहीं है तो सभी देशों ने मिलकर उधर एक ट्रीटी साइन किया कि हाँ हम इसको डेवलप करेंगे इधर अपने सर्विस स्टेशन ले आएंगे ठीक है तो अंटार्क्टिका का ट्रीटी साइन हुआ था 1959 में फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड हाइस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है वर्ल्ड में टीटी काका ठीक है नाम देख सकते हो टीटी काका 96, सिक्स हाइस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका जल्दी से खत्म करते हैं घंटा हमारे होने वाले घंटा आपके लिए इधर हमने एक तरह से लगाया तो 96 का आंसर बताइए जल्दी से बिल्कुल सही एक्न कोंगा जो भी इसका, sorry, है उंस नहीं किया जा रहा तो दैट इज इट इज हाई स्पीक ऑफ साउथ अमेरिका 97 साउथ अमेरिका की एक रिवर है विच इज द मोस्ट वॉल्यूम वॉल्यूम वाइज एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन दर्ल्ड वर्ल्ड में दूसरा नंबर बेचारेगा लेकिन साउथ अमेरिका में वॉल्यूम सबसे ज्यादा कैरी करता है तो 97 का आंसर क्या आना चाहिए बिल्कुल सही बड़ी तेजी से आंसर आए हैं एमेजॉन ई पर आगे बात करते हैं नाइनटी एट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट बताइए ठीक है नॉर्थ अमेरिका सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट इट इज सराउंडेड बाय गल्फ ऑफ मेक्सिको इन द वेस्ट पैसिफिक ओशन लाइज टू इट्स ईस्ट जल्दी से बताइए तो मैं आपको बता दूं द फर्स्ट वन इज द राइट वन ओनली ठीक है सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन रॉन्ग वन नॉर्थ अमेरिका सेपरेटेड फ्रॉम ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ साइबेरिया बाय द जो नॉर्थ अमेरिका है वो ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ साइबेरिया से कैसे सेपरेटेड है दैट इज योर बेरिंग स्ट्रेट आज का लास्ट क्वेश्चन हम ट्रिपल फिगर पे पहुंच गए एक तरह से आप देख सकते हो ठीक है तो इसका भी से कहता है, आपने सही बताना है, इस से कौन सा से सही है इट इज रफली सर्कुलर शेप वो सर्कुलर शेप में यह भी सही है इट इज कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट सर ये भी सही है उसे हम व्हाइट कॉन्टिनेंट का भी नाम देते है। तो right तो हैं तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन तो इसका आंसर क्या रहेगा सर ऑल ऑफ द अबव आपके सारे सौ के सौ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए वर्ल्ड ज्योग्राफिक रिलेटेड डिस्कस किए इंडियन क्वेश्चन डाले थे क्योंकि वो एक्चुअली में पहले के उसके ऊपर मेरी एक सीरीज पड़ी हुई है ठीक है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ठीक है आप वो एक बार देख लेना ठीक है तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इको सिस्टम बायोडिवर्सिटी के ऊपर एमसीक्यू लेके आऊँ उसके ऊपर हम टॉप वन करेंगे जिसमें से हंड्रेड एमसी आपके बेसिक रहेंगे आगे लास्ट मतलब बेसिक भी हम कहेंगे कि आपके वो रहेंगे जो आपको जीके से भी पूछता है और जो लास्ट के फिफ्टी होंगे ठीक है वो हम करेंगे दैट द एडवांस लेवल बहुत ज्यादा एडवांस लेवल हो जाएंगे उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा ठीक है तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं होप सो आपको मजा आया होगा एक बार लाइक करके जरूर जाइएगा अगर आप जा रहे हैं जिधर से जा रहे हैं वैसे जाना ही पड़ेगा इधर हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं तो रुकेगा कौन इधर तो एक में से गुजारिश है कि आप सब देखो आप सबके प्यार से हम इतने आगे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सब साथ में एक इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपना आपका व्हाट्सएप का स्टेटस आज यही होना चाहिए हर अपने हर सोशल मीडिया का आपका स्टेटस ही इसका लिंक होना चाहिए ठीक है दोस्तों साथ शेयर कीजिए हमें और मोटिवेशन मिलती है जब हम आगे और रीच तक पहुंच पाते हैं आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट हमें लगता है कि हाँ अब हम पे थोड़ा प्रेशर है हम पे एक लाइबिलिटी आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना तो वो आपकी बदौलत ही हम कर पाएंगे तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर साथ तब तक आपसे अलविदा और पढ़ते रहिए और अदाब रहिए